भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल बिहार छात्र एकता की संरक्षक और कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर योगेंद्र महतो को लोकपाल बनाए जाने के फैसले को गलत और नियम के विरुद्ध निर्णय बताया। अनामिका शर्मा ने कहा कि TMBU के कुलपति ने विश्वविद्यालय से रिटायर हो चुके प्रोफेसर योगेंद्र महतो को लोकपाल बना दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है और प्रोफेसर योगेंद्र पर पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप है, जबकि उन्होंने एक ही सत्र में दो दो डिग्रियां हासिल की है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रोफेसर योगेंद्र ने अपने नाम से दो दो क्वार्टर आवंटित करवा रखा है, लेकिन राशि एक क्वार्टर का जमा किया जाता है, जबकि इसके अलावा भी वो लोकपाल पद के लिए किसी भी अहर्ता को पूरा नहीं कर रहे थे। वहीं कुलपति पर निशाना साधते हुए अनामिका शर्मा ने कहा कि आखिर कुलपति की ऐसी क्या लाचारी थी कि उन्होंने ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति का चयन लोकपाल जैसे अहम पद के लिए किया। साथ ही कहा कि अगर कुलपति ऐसे व्यक्ति को लोकपाल के पद से अविलंब बर्खास्त नहीं करेंगे तो इसके विरोध में अखिल बिहार छात्र एकता की ओर से आंदोलन चलाया जाएगा। इधर अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम्बम प्रीत ने कहा कि BN कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने अपने रीडर के प्रमोशन में नियम कानून को ताक पर रखकर प्रमोशन पाया है। बम्बम प्रीत ने कहा कि अशोक ठाकुर ने 30 सितंबर 1995 में भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय मधेपुरा से PhD में अपना नामांकन कराया और उन्हें 13 अगस्त 2003 को PhD की उपाधि मिली थी, जबकि नियमता सेवा काल के दौरान दूसरे विश्वविद्यालय से PhD करने पर सेवा से न्यूनतम 1 वर्ष का अवकाश लेना अनिवार्य है, जिसका इन्होंने उल्लंघन किया है। साथ ही कहा कि अगर इस मामले में विश्वविद्यालय द्वारा कोई पहल नहीं की जाएगी तो वे सभी न्याय के लिए महामहिम राज्यपाल और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति की गई है और उस पद पर योगेंद्र बाबू को नियुक्त किया गया है, तो भागलपुर के कुलपति से हम पूछना चाहते हैं कि लोकपाल को नियुक्त करने के लिए जो नियम है या जो अहर्ताएं रखी गई है, क्या उन सभी अहर्ताओं का पालन किया गया है? सबसे पहले तो लोकपाल को निष्पक्ष होना चाहिए, जबकि प्रोफेसर योगेंद्र महतो पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं। एक बार नहीं, उनके भ्रष्टाचार के कई मुद्दे सामने आए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यदि लोकपाल नियुक्त किया गया है तो कहीं कुलपति के इसमें भ्रष्टाचार में उनकी सहभागिता तो नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि प्रोफेसर योगेंद्र महतो जो है वो एक ही सत्र में, एक साल में ही वो PhD और MEd की दोनों की डिग्री प्राप्त किए हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। एक सत्र में आप या तो PhD करिएगा या MEd करिएगा। यदि एक सत्र में आप दोनों डिग्री प्राप्त किए हैं, यानी कि आपके पास फर्जी डिग्री है, सही डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो ये तो साबित हो गया कि वो फर्जी डिग्री धारक हैं। दूसरा आप आइए कि वो व्यक्ति TNB महाविद्यालय में अनाधिकृत रूप से दो आवास में वो रहता है, जबकि एक आवास का वो पे करता है और एक आवास को कैप्चर करके रखे हुए है, तो वैसे व्यक्ति को आप कैसे लोकपाल बनाते हैं? तीसरे मुद्दे पर आप आइए कि TNB महाविद्यालय में रहते हुए लकड़ी के दुकान से मिठाई के बिल का भुगतान करता है और वो पैसा उठाता है, तो ऐसा व्यक्ति को कुलपति किस आधार पर लोकपाल की नियुक्ति उनको किस आधार पर किए हैं? कहीं इस भ्रष्टाचार में, योगेंद्र महतो के भ्रष्टाचार में कुलपति का भी योगदान तो नहीं है? भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्दी बहियार में खेत में काम करने के दौरान 14 दिन पूर्व रिटायर फौजी जमादार मंडल के द्वारा बैगटपुर टीकापुर वार्ड 25 निवासी किसान उचित लाल मंडल एवं उनकी पत्नी साबो देवी उर्फ सावित्री देवी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर तेज धारदार तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित किसान ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर रिटायर फौजी जमादार मंडल की गिरफ्तारी कर
कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इसके बाद आरोपी रिटायर्ड फौजी जमदार मंडल, उसकी पत्नी रूपमणी देवी, गुरुदेव मंडल और अन्य सहयोगियों के द्वारा दबंगई दिखाते हुए पीड़ित किसान के पुत्र संत कुमार को आरोपी पक्ष के खिलाफ केस को वापस लेने की बात कही गई। इधर बार बार दबंगों द्वारा धमकी देने के कारण किसान का पुत्र संत कुमार घर छोड़कर कहीं और रहने लगा, जिसका फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल सका है। जबकि जमदार मंडल और उसके सहयोगी पीड़ित परिवार के साथ ग्रामीणों को भी केस उठाने की बात कहकर धमकी दे रहे हैं। वहीं इस मामले की शिकायत लिखित आवेदन के माध्यम से मिलने पर भागलपुर SSP ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। इधर इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष और गाँव वालों का कहना है कि रिटायर फौजी जमदार मंडल अपनी पत्नी, भाई और अन्य सहयोगियों के साथ हथियार का भय दिखाकर संत कुमार को उसके परिवार और ग्रामीणों द्वारा केस उठाने की धमकी दी जा रही है। हालांकि अब तक स्थानीय पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की बात भी पीड़ित पक्ष द्वारा कही गई है। मजदी बिहार में जो उचित लाल मंडल को उनके पत्नी को जो काटा है, कौन काटा है? जमदार मंडल ने। हाँ, वही धमकी दे रहा है बार बार कि उसको कौन, नहीं तो सबको हम काट देंगे। किसको कह रहा है? संत कुमार मंडल को, उसको और परिवार को काट देंगे, इसलिए धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है। वो लोग घर में नहीं है क्या? नहीं, वो तो डर के मारे इधर उधर रहता है छिप करके। जी जी, तो क्या कर रहा है आप लोगों के साथ? आप लोगों के साथ हम सब लोगों के साथ यही बोलता है कि उसको कहाँ है, उसको खोज करके हम अथी करेंगे ना। आपको भी देखाता है? हथियार तो आपसे भी पूछता है? हथियार तो हम नहीं देखे, लेकिन उसके बार बार बोलता है सब लोगों को। मेरे पिता और माँ को काटा है मस्जिद बिहार में। हाँ, कौन? जमदार मंडल। जी जी, उसके बाद बार बार धमकी दे रहा है केस उठाने का। कौन दे रहा है? जमदार मंडल का भाई। हाँ। उनका पत्नी। हाँ। जब हम घर से बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं बाहर? डर से। तो क्या लगता है, हथियार लेकर आता है क्या? हथियार लेकर आता है। क्या करता है? कि अभी दो को काटे हैं, अभी चार को काटेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर उस समाज को भी धमकी देता है जब इधर उधर रहते हैं तो। क्या करता है समाज को? भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 21 स्थित गंगापुर गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण पिछले 5 दिनों से ग्रामीण अंधकार में जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। इसको लेकर गंगापुर के ग्रामीण ने बताया कि 5 दिन पूर्व भारी बारिश होने पर बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके कारण गाँव में बिजली की आपूर्ति ठप हो जाने पर पानी की किल्लत और बच्चों का पठन पाठन भी बाधित हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इसको लेकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शंकर दास एवं जदयू नेता मनीष कुमार ने कहा कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों को ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना दी गई, लेकिन अब तक विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है, जिससे गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को भी इसकी जानकारी देकर अविलंब बिजली विभाग द्वारा गाँव में बिजली आपूर्ति शुरू करवाने और विभाग के लापरवाह पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद सूर्यमल इंटर स्तरीय विद्यालय के छात्र अमन बिहारी ने प्रमंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इसको लेकर मसदी गांव निवासी 9वीं कक्षा के छात्र अमन बिहारी ने बताया कि प्रमंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे भागलपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कुंदन कुमार ने मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। अमन बिहारी ने बताया कि प्रमंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी के बाद अब वह पटना के SCRT में होने वाले राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता में भाग लेगा, जिसके लिए उसने और अधिक जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर कृष्णानंद सूर्यमल इंटर विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि छात्र अमन बिहारी ने प्रमंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर प्रखंड और भागलपुर जिला का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता में बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिए अमन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रवि शेखर, चंद्रशेखर चौधरी, कृष्णमोहन शुक्ला, शबनम और मोहम्मद शाहनवाज समेत कई शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे। अमन बिहारी जो नवम का हमारा छात्र है,
यह विद्यालय का वर्तमान समय में सबसे होनहार छात्र है और इसने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रखंड में किया, फिर जिला में किया और कल प्रमंडल में इसने प्रथम स्थान प्राप्त करके प्रमंडल का प्रतिनिधित्व राज्य में करने के लिए अपना नाम चयनित कराया है। पटना SCERT में 11 बच्चे पूरे बिहार से चयनित होकर आएंगे और उसके बीच में यह प्रतिभागी होगा और मुझे विश्वास है कि सुल्तानगंज की जनता और विद्यालय परिवार के आशीर्वाद से मेरा यह अमन बिहारी सुल्तानगंज का नाम जरूर राज्य में रोशन करेगा।